पेंशन लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। पेंशन लेने वाले काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि हमें जो है वो पैसे कब मिलेंगे जीपी फंड के। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग पेंशन लेते हैं उन्होंने क्लेम किया था कि हमें जीपी फंड चाहिए, लेकिन काफ़ी देर से उन्हें जीपी फंड नहीं मिला। सिर्फ इसमें वही लोग नहीं हैं जो पेंशन लेते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, चाहे वो कोई और मुलाजिम है, उनका हक बनता है वो सरकार से जीपी फंड जो है वो ले सकते हैं। लेकिन उन सब लोगों ने अपने अपने फॉर्म भरकर कब से दे दिए थे, उन्हें जीपी फंड जो है वो नहीं मिला। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर बताई थी कि जीपी फंड जो है वो आप लोगों को मिलेगा, और आप लोगों ने ये भी नीचे कहा था कमेंट बॉक्स में, और ये भी लोगों ने मुझे बताया फ़ोन कर कि जब भी हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में पैसा ही नहीं है तो आपको जीपी फंड कहाँ से मिलेगा। खबरें चलती गई और आपको बता दें खबरों ने सरकार की नींद खोल दी। जब खबरों ने सरकार की नींद खोल दी तो सरकार को पता चला कि अब लोगों को पता चल गया है। पहले जो बाढ़ डिपार्टमेंट के अंदर थी, अब वो डिपार्टमेंट के बाहर पहुंच चुकी है कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसीलिए अब मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने 500 करोड़ जो है वो रिलीज़ किया है ताकि आप अगर पेंशन लेते हैं तो आपको जीपी फंड मिल सके, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको जीपी फंड मिल सके। लेकिन मैं इस खबर के बारे में जब आपको बताऊं तो इस खबर में ये कहा गया है कि अब 500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने दे दिया है ताकि आप तमाम लोगों के जीपी फंड क्लियर हो सके। जिन्होंने अपना इलाज करवाना है वो इलाज करा रहे, जिन्होंने बच्चियों की शादी करनी है वो बच्चियों की शादी करें, जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों के लिए पैसा देना है वो पैसा दें, और जिन्होंने पेंशन लेकर बहुत से काम करने हैं वो ले। अब मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने सीधा बातचीत की है और डायरेक्शन दी है जीएसटी एंड इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट को कि जिनका भी जीपी फंड पेंडिंग है, 2 क्या 4 क्या 6 महीने हो गए हैं, आप सबसे पहले उन लोगों को क्लियर करें जिन्होंने अपने इलाज कराने हैं, जिनकी बच्चियों की बहनों की शादी है उनको दे, जिनके बच्चों ने पढ़ने के लिए बाहर जाना है उनको दे, जिन्होंने कर्जा उठाकर अपना इलाज कराया ताकि वो अपना कर्जा जो है वो चुकता कर सके। चीफ सेक्रेटरी ने सारी डायरेक्शंस जो हैं जीपी फंड को लेकर इशू कर दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा है कि पहले प्रायोरिटी बेस पर आप उन्हें दें जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपको बता दूं, संतोष जी वैद्य प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है चीफ सेक्रेटरी को 500 करोड़ जो है यहाँ पर दिया है, और बहुत जल्द जो है 1 से 2 दिन लगेंगे ये 500 करोड़ जो है ट्रेजरी में आ जाएगा, ट्रेजरी जो है वहाँ से आपके आपके डिपार्टमेंट्स को दे देगी और आपको आपका जीपी फंड जो है वो कुछ दिनों में मिल जाएगा। अब मैं आने आपको जिस तरह से ये खबर बताई है, हो सकता है इस खबर के कुछ दिन बाद जो है जीपी फंड आप लोगों को मिल जाए, लेकिन प्रोबेबली यही बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में सब लोगों का जीपी फंड जो है उनके उनके खाते में आ जाएगा, और सरकार की तरफ से जितने भी पेंशन वाले लोग हैं उन्हें भी जो इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पेंशन वाले भी जीपी फंड को क्लेम करते हैं, तमाम सरकारी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी, उन्होंने भी क्लेम किया था, उनके खाते में भी पैसे आ जाएंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा गया है कि कोई भी जीपी फंड वाला जिसने क्लेम किया एम्प्लॉय वो खाली हाथ नहीं होना चाहिए और उन्हें ये जो है वो दे देनी चाहिए। अब अगर आप लोगों के थोड़े से दिनों में खाते में पैसे आते हैं तो आप लोगों को सरकार का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई परेशानी थी जो आपने खबरें बाहर निकाली और सरकार के कानों पर जू रही की कि अब हमारे एम्प्लॉयज़ जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। बीच में एक ऐसे एम्प्लॉय भी थे जिनका डीएमसी लुधियाना में ऑपरेट था, जिन्होंने कर्ज उठाकर जो अपना ऑपरेट कराया है, अगर उन्हें ये जीपी फंड मिल जाता है तो उन्हें बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स भी थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया लंबे समय से जीपी फंड क्लेम को लेकर। ये एम्प्लॉय का हक है, पेंशनार्थी का हक है कि वो जीपी फंड जो है सरकार से ले सकता है, और ये उनका हक है, उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया, इसमें कोई भी दो राय जो है वो नहीं है।